हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहें, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज की उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है। कैंडल जला लिए मैंने, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, 7 बार, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, जो जिस पर्सन के बारे में वजह से, जिस पर्सन की वजह से आप इस रीडिंग तक आए हो, काफ़ी ज़िद्दी है, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी जो भी है, मतलब काफ़ी ज़िद्द ऐसे ना कि कितना भी दर्द हो, कितना भी तकलीफ़ हो, ये इंसान काफ़ी हद तक ना झुकने पे बिलीव नहीं करता या झुकना कमज़ोरी समझता है। अगेन बार बार फील हो रहा है कि इनके कुछ तो है जो पास्ट के दर्द है, चाइल्डहुड वुंड्स है, कुछ तो है जो काफ़ी ज़्यादा ना एक उनमें ही अंदर कुछ सबकॉन्शियस माइंड में एक दर्द क्रिएट करते हैं, कुछ एंग्जाइटी या इनसिक्योरिटीज क्रिएट करते हैं। ये जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, स्पेशली प्यार के मामले में, जैसे ना ये इंसान सच्चे प्यार से डर जाता हो, उसे ये सब ना थोड़ा झूठ लगता हो, ये सब चीज़ समझ में नहीं आता हो। मुझे स्ट्रांगली फील हुआ कि दोपहर के 1-1.5 बजे या फिर रात के 1-1.5 बजे इस पर्टिकुलर टाइम में ये इंसान आपको लाइक पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करता है या एकदम स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, क्योंकि मुझे वो टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, 1-1:30 के बीच में या फिर रात को भी हो सकता है। उस वक्त जैसे ना आपकी अचानक से नींद खुल जाए, खुल गई हो, या आप दोपहर को भी हो तभी भी आप सोए हो, या फिर किसी भी रीज़न से आपको जैसे ना एहसास हुआ हो कि ये इसी इंसान की एनर्जी है, कुछ तो है जो डिफरेंट है। फ्लेम देखिए, आपने फ्लेम बता रही है कि जैसे जो मैंने कहा ना वो सच है, ये फीलिंग्स उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जिस तरह से मुझे फील हो रहा है कि ये इंसान ना ज़िद पकड़ के बैठा है, या फिर अपनी मजबूरी या अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना, जैसे उसे को पकड़ के बैठा है। इनको ना सेफ़ एंड सिक्योर चलने की बहुत आदत है, बहुत ज़्यादा आदत है। ऐसे नहीं कि लाइफ में मस्ती नहीं करते, बट जहाँ तक मामला प्यार का है, ये काफ़ी जैसे ना एक सेफ़ एंड सिक्योर चीज़ें पे बहुत बिलीव करते हैं। मुझे खूबसूरत बटरफ्लाई दिख रहा है, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड था और वो होकर रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन लेटर F प्रोमिनेंटली दिख रहा है, लेटर U प्रोमिनेंटली दिख रहा है, और नंबर 4 मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ना कि अगर आप इनको लाइक ना एनर्जी नहीं दे रहे हो, आप इनके बारे में सोचते हो, वो भी बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, मतलब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, खुद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप सोच रहे हो ठीक है, बट आप सामने से जो चीज़ करना था, जो पहले की तरह आप सवाल पूछ रहे थे, आप जवाब मांग रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ भी चीज़ें, आपने वो सब चीज़ें बंद कर दी है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मतलब इससे तो उल्टा ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। जब से आपने खामोश रहना स्टार्ट किया है, आपको लाइक
खामोश रहना, आपकी लाइक मैनिफेस्टेशंस करना या मेडिटेशंस करना जब से स्टार्ट किया है, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील होने लगा है, और इनफैक्ट उल्टा फील हो रहा है कि ये इंसान आपको ज़्यादा याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ जैसे फील हो रहा मुझे। हार्ट्स काफ़ी बन रहे हैं, इस इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, वो खुलना ज़रूरी था हीलिंग के लिए। हीलिंग की वजह से ही बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इनसिक्योरिटीज़ या डर या एंग्जाइटी इस इंसान के दिल में है, स्पेशली इनसिक्योरिटीज़ जो रिस्क लेने पे, लाइक ना, क्योंकि आपके कंडीशंस में, आपके प्यार में बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। इट्स नॉट नॉर्मल कि चलो ये सोच लिया, ये डिसीजन ले लिया, इतना आसान नहीं है आप लोगों का इश्क, इतना आसान कम से कम जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो इश्क नहीं, आसान वाली फीलिंग है बहुत ज़्यादा। इंसान के अंदर ही अंदर जो डर है, जो स्ट्रेंथ है, उसे बाहर निकालना ज़रूरी है। इवन पहले डर का सामना करना पड़ेगा, फिर स्ट्रेंथ का भी सामना करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ भी दिखेगी, वो जो हिम्मत है, वो जो पावर है, वो जगानी पड़ेगी, दोनों तरफ, दोनों तरफ। अगर आपकी तरफ से ये सब हो रहा है ना, तो डेफिनेटली आप, मुझे लगता है कि आप निश्चिंत हो जाइए, चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में होगी, लेकिन होगी ज़रूर। सी फ्लेम, ये इंसान आपको भले कितना भी इग्नोर करता हो, दिखाता नहीं हो उनके स्टेटस, स्टोरीज, डीपीस, कुछ भी हो, बट ये इंसान आपको याद करता है, बहुत दिल से याद करता है, और आपके बारे में सोचता है। लेकिन आपकी तरफ वो मूवमेंट इसलिए नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे मैंने फील किया कि इनके अपने ही अंदर कुछ, जैसे ना द्वंद चल रहा हो, कुछ इनर बैटल चल रही हो, समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा, क्या होगा, ये इंसान कैसे ना अपने ही इमोशन से भाग रहा हो, वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगेन मुझे स्वैन की एनर्जी नज़र आ रही है, पॉसिबल है आपको 222 एंजल नंबर दिख रहा हो। कमिटमेंट या कमिटेड रिलेशनशिप या एक स्टेबिलिटी रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड है, यस, स्टेबिलिटी रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड है। ये इंसान एक वक्त आ रहा है ना कि जहाँ पे धीरे धीरे से टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, लेकिन वो फिर से उठेगा, फिर से जुड़ेगा, वो अलग तरीके से, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। ये होना ज़रूरी था, अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली पैटर्न रिपीट होंगे। अगर आप वक्त नहीं दे रहे हो, अगर आप स्पेस नहीं दे रहे हो इस इंसान को वो चीज़ें बदलने में, तो डेफिनेटली चीज़ें आप ही खुद डिले कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। नंबर 8 इन्फिनिटी वाला, वो मुझे नज़र आ रहा है। 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है, अगेन मुझे 333 की एनर्जी भी फील हो रही है। एक्शन होगा आपके कनेक्शन में, और इनकी तरफ से ही होना ज़रूरी है, इनकी तरफ से ही होना ज़रूरी है। बस आपको रिस्पॉन्ड करना कितना सोच समझ के है, वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि एकदम भी रूडली आप रिस्पॉन्ड करेंगे, इनका कॉल मैसेज आएगा या मिलने आएंगे, एकदम रूडली भी अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो भी ये इंसान उल्टे पाँव वापस जा सकते हैं, इससे भी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये इंसान अंदर से बहुत खोखला है। जितना भी दिखाता ना कि हो सकता नहीं ये काम में माहिर हो, प्रोफेशनली स्टेबल हो, सब कुछ हो, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल हो, सब कुछ हो, लेकिन ये अंदर से अंदर बहुत ज़्यादा खोखला है। लेटर ए और वी दिख रहा है, इनकी डिज़ायर है ना, डिज़ायर वो आपके लिए ही है, वो बार बार फील हो रही है डिज़ायर, बहुत इमोशंस जाग रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे न्यू मून क्लोज आते जा रहा है, और एक चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा डार्क होती जा रही है, इंटेंस इमोशंस, वो चीज़ मुझे दिख रही है, इंटेंस, उनके डर, उनकी जो चीज़ें ना, लाइक भाग रहे ना, तो डर भी और भी ज़्यादा लग रहा है, कुछ खोने का डर, जैसे आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा सता रहा है। इतना आसान नहीं है उनके लिए जितना आपको लग रहा है ना, इतना आसान नहीं है।
काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाई दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है जैसे बटरफ्लाइज अचानक से दिखना आपको हो रहा है। और मुझे यहाँ पे एक सीड से एक प्लांट जैसे उग रहा दिख रहा है, लाइक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टार्ट है। पाइसेस साइन स्ट्रांग हो सकता है। मुझे यहाँ गणेश जी की प्रतिमा जैसे ने फील हो रहा है, गणेश जी की एंड एक न्यू सीड न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कैप्रिकॉर्न साइन भी स्ट्रांगली फील हो रहा है, स्कॉर्पियो है एंड दिस लाइक बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत से बना है। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कहते हैं। स्टैंड ऑन द ग्राउंड, बॉटम डेक है, मूविंग ऑन। सो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, सी आपसे भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं इनफैक्ट, लेकिन ये अपनी निगेटिव सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कर तो कोशिश रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, उल्टा ज़्यादा एक फीलिंग बढ़ जाती है, एक अवेयरनेस है इन द स्पिरिचुअल कनेक्शन का, वो ज़्यादा एहसास होता है। आप देख सकते हैं यहाँ टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी है, स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी है। ये मैंने कहा ना कि यूनियन तो होने वाला है लेकिन कुछ चीज़ें बदलाव ज़रूरी था वो बस हो रहा है। थ्री नंबर, ट्रिपल थ्री नंबर, ट्रिपल टू नंबर आपको पॉसिबल दिख रहा हो और ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये इनको कोई कर्मा है वो फेस करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को उस जस्टिस के लिए साबित करना है कि जो गलत है वो गलत है वो सही, साथ देना है किसी का इम्पोर्टेंट कितना है, प्यार की तरफ आना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ समझनी है। अब बस अब उनके सबकॉन्शियस फियर्स है, कुछ डर है, सोशल फियर्स है, कितनी सारी चीज़ें ना इंसान के दिमाग में डाली जाती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये गलत है या सही है, सब कुछ है। इस बारे में जब उनको अवेयरनेस होगी कि क्या सही होना चाहिए क्या गलत होना चाहिए, वो तब है। ये आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मैंने जैसे फील किया ना, ये इंसान की एक ज़िद ईगो वो आड़े आ रही है और वो ज़िद ईगो सिर्फ एक खोखला है, बस सबकॉन्शियस फियर्स है, अंदर ही अंदर के डर है। तो जस्टिस की एनर्जी है, कर्मा तो है और ये न्याय तो होगा, तो आपकी तरफ न्याय आ रहा है एंड स्पिरिचुअल यूनियन का, जैसे एज अ रिवॉर्ड आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअल यूनियन मिल रहा है, वो चीज़ है। बट लेकिन कैसे है ना, इस इंसान के बदले बगैर, इस इंसान के बैलेंस हुए बगैर ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आप तो इम्प्रूव हो रहे हो लेकिन उनका क्या, इसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई। तो पेशेंस रखिए क्योंकि चीज़ें होगी ज़रूर लेकिन डिवाइन टाइम पे, लेकिन ये बात तो स्ट्रांग है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और ये एक दिन आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। Raise your vibrations and friendship and union. Again वही चीज़ है, यहाँ पर भी union है, यहाँ पर भी union। मैंने कहा ना कि union की energy बहुत ज़्यादा strong है, बस उसके लिए जो एक preparation है वो बाकी है। हर एक का अपना अपना time है, अपनी अपनी journey है, उसके लिए चीज़ें, लेकिन काम तो सबको एक ही करना है। raise your vibrations, अपनी जो vibrations है, अपनी aura है, उसको please enhance कीजिए, be a magnet, चीज़ें अपनी आप खींची चली आएगी। सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।